5,000 25,000 अभी एकदम फाइन भर रहा है। कहाँ से भर रहे? वही बता, सब गाड़ी छोड़ दे रहा है, क्या करेगा? जब 1,000 आता दिन भर में, 400 गाड़ी का जमा है, 400 का गैस बढ़ाता है, क्या करे? परेशानी उठाना पड़ रहा है, पैदल चल रहा है। टेंशन जाना जरूरी है, जरूरी है, काम है तो। टीएमसी जाना, टीएमसी कैसे जाइएगा? ऑटो हड़ताल पे है, ऑटो नहीं चल रहा। नहीं, ऑटो नहीं चल रहा, हड़ताल पे है, कैसे चलिएगा? घूर जाएंगे आप क्या? घूर जाएंगे आप क्या? घूर जाइएगा, कैसे कर देगा? कर देगा हाँ, कि फलना कैसे तुम पर, चलो भीतर। तो आप लोग कोई प्रतिनिधि, पुलिस के पास आप लोगों कोई प्रतिनिधि बना के जाना चाहिए सरकार के लोगों से। बोलिए ना भैया, आप देखिएगा डेली कितना प्रॉब्लम करता है। आम लोगों को क्यों बिठाए हुए? आम लोग नहीं है, सब कैदी है। धक्कारी लगा, हाथ उठाइए, हाथ करी दिखाए, सब लोग कैदी है। कहाँ जाना है? पटना जंक्शन जाना था। पटना जंक्शन जाना है, खड़े क्यों है? ऑटो नहीं आ रही है ना? ऑटो आज हड़ताल पे आएगी भी नहीं, तो बहुत परेशानी हो रही है। क्या कीजिएगा? दिक्कत नहीं रहेगा भैया, गरीब आदमी कहाँ जा रहा है? हम लोग के तरह रोड पर भटकेगा, कमाएगा तो ना पता चलेगा भी आदमी का। बताइए, 100 गुना 500 रुपया कमाएगा, 500 को दे देगा तो क्या होगा भैया? बताइए, जंक्शन जाना है, फिर वहाँ सामान लेकर कच्चे जाना है। जंक्शन से सामान लेकर कच्चे जाना है, कैसे जाइएगा? स्ट्राइक है क्या आज? हाँ, ऑटो का स्ट्राइक है, तो फिर क्या कीजिएगा? हम लोगों को दिक्कत हो गया ना? हाँ, हम लोगों को तो दिक्कत हो गया, लेकिन ऑटो वाले कह रहे कि हमें जो दिक्कत हुई हम लोग नहीं समझ रहे हैं, पुलिस वाले नहीं समझ रहे हैं। उन लोगों को क्या दिक्कत हो गई? वो लोग कह रहे हैं कि परमिट मांग रहे हैं, परमिट उन्हें मिल नहीं रहा परिवहन विभाग से। तो पहले से उनके पास परमिट नहीं थी क्या? नमस्कार, मेरा नाम सोम कृष्ण है। देखिए, आज ऑटो वाले हड़ताल पे है, इसको लेकर पटना की सड़कों पे तमाम पब्लिक जो है पीछे भी दिखा सकते हैं, तमाम लोग खड़े हैं ऑटो के इंतजार में खड़े हैं। कुछ लोग रैपिडो बुक करके जा रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट गाड़ियों को हाथ दे रहे हैं, तो कुछ लोग नगर निगम के जो बस है सीट से एक्स्ट्रा लोग जा रहे हैं, पूरा भर भर के जा रहे हैं। हमने आपको दिखाया, अभी आप लोग को कहाँ जाना है भाई? पटना जंक्शन जाना है। जंक्शन जाना है, ऑटो के लिए खड़े हैं, ऑटो के लिए। ऑटो वाले तो आज हड़ताल पे है, हड़ताल पे है, तब कैसे जाएंगे? क्या करेंगे? क्या पैदल कितना चलेंगे? पैदल आ रहे हैं, कुम्हरार से पैदल आ रहे हैं, कुम्हरार से पैदल आ रहे हैं। अब यहाँ पे आशा है कि ऑटो मिल जाएगी। देख रहे थे कि ऑटो चल एक आध चल रहा है, कार नहीं चल रहा था, एक भी ऑटो नहीं चल रही है। ऑटो वाले अगर कोई चल भी रहे तो उसे रोक दे रहे हैं, रोक तो दे। क्या कीजिएगा? अब क्या करे, परेशानी उठाना पड़ रहा है, पैदल चल रहा है। टेंशन जाना जरूरी है, जरूरी है, काम है तो जाना। खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? ऑटो नहीं मिलने वाली आपको, क्या नाम है भैया? हम यहीं पे हैं, यहीं पे सवारी है, कहीं जाना है? लोकल है, आप लोग को कहीं जाना वाना है क्या चाची? नहीं, कहीं अच्छा लोकल है, चलिए जो लोग सवार। आप लोग डॉक्टर तो है, किनको जाना है? हमको बाइक, बाइक से जाना है। बाइक से जाना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बाइक वाले जा सकते हैं। चलिए, जो सवारी है, जो मुन्ना चक ये ओवर ब्रिज के नीचे जो सवारी है उनसे बात करें। सवारी है, कहीं जाना वाना है आपको? नहीं, लोकल है, कहीं जाना वाना है भैया? हाँ जाना है। कहाँ जाना है? पटना जंक्शन जाना था। पटना जंक्शन जाना है, हाँ। तो खड़े क्यों है? ऑटो नहीं आ रही है ना? ऑटो आज हड़ताल पे आएगी भी नहीं, तो बहुत परेशानी हो रही है। क्या कीजिएगा? अब जाना, कुछ तो जाना तो पड़ेगा ना, कैसे जाइएगा? अब पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाइएगा पटना जंक्शन। अब हमारे कुछ हमारे परेशानी को समझ नहीं रहा है तो क्या बोले हम? आपकी परेशानियों को नहीं समझ रहे, ऑटो वाले कह रहे हैं कि हमारे परेशानियों को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। अब दोनों की अपनी परेशानी है, तो सरकार का पहुंचेगा जवाब? बोलते सर, वहाँ पे कोई जरूरी काम है जंक्शन पे? हाँ, हमारे को रिसीव है, जाइए, नहीं तो खड़े रह जाएगा, ऑटो नहीं मिलने वाली। पैदल जाइए, रैपिडो करके जाइए, बुक कीजिए। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और कोई सवारी है क्या भैया? चलिए हम और भी सवारी से बात करते हैं। आप लोग लोकल है कि सवारी है? चलिए, वहां पे मुन्ना चक ओवर ब्रिज के नीचे जो है कहीं जाना होना है आप लोगों को, कहाँ जाना है? जंक्शन। जंक्शन तो खड़े क्यों है? नहीं, खड़े क्यों है? ऑटो के इंतजार में, ऑटो आज नहीं आने वाली है, हड़ताल पे है। क्या कीजिएगा? उन लोगों का कुछ मांग है प्रशासन से, वो लोग हड़ताल पे हैं, क्या कीजिएगा? क्या करेंगे और क्या, पैदल जाएंगे। कितने देर से खड़े हैं? 10 मिनट से। 10 मिनट से, अभी 10 मिनट और रह जाएगा, फिर भी ऑटो वाले नहीं आएंगे, आज ऑटो वाले हड़ताल पे हैं। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। आज एक भी ऑटो आपको सड़क पे नहीं दिखने वाली है, क्योंकि ऑटो वाले जो है हड़ताल पे है। कहीं जाना वाना है? कहीं जाना वाना है? लोकल है, लोकल है कि कहीं जाना है? सवारी करना है, सवारी करना है। कहाँ जाना है? जंक्शन जाना है, फिर वहाँ सामान लेकर कच्चे जाना है। जंक्शन से सामान लेकर कच्चे जाना है, कैसे जाइएगा? स्ट्राइक है क्या आज? हाँ, ऑटो का स्ट्राइक है, तो फिर तो क्या कीजिएगा?
तो फिर हम लोग को दिक्कत हो गया ना। हाँ हम लोगों को तो दिक्कत हो गया, लेकिन ऑटो वाले कह रहे कि हमें जो दिक्कत हुई हम लोग नहीं समझ रहे हैं, पुलिस वाले नहीं समझ रहे हैं। उन लोगों को क्या दिक्कत हो गई? वो लोग कह रहे हैं कि परमिट मांग रहे हैं और परमिट उन्हें मिल नहीं रहा परिवहन विभाग से। तो पहले से उनके पास परमिट नहीं थी क्या? पुलिस वाले जगह जगह रोक दे रहे हैं, इसीलिए जो है कह रहे हैं कि बराबर फाइन लग जाती है, इसीलिए आज जो है हड़ताल पे है, सड़क जाम किए हुए हैं, ऑटो नहीं चलने दे। तो फिर तो लोकल आदमी को तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उससे। दिक्कत तो हो रहा है, लोग आ रहे हैं घूर कर जा रहे हैं, कुछ लोग बाइक बुक कर रहे हैं, कुछ लोग बसेज में ओवरलोड होकर जा रहे हैं। आप क्या कीजिएगा? तो हम ट्रेन से निकलेंगे। ट्रेन से निकलिएगा, जिसको होगा वो तो राजेंद्र नगर टर्मिनल से पटना जंक्शन ट्रेन से जाइएगा। जंक्शन से कच्चे जाएगा, यहाँ से जंक्शन कैसे जाइएगा? यहाँ से फिर ओला बुक करना पड़ेगा। ओला बुक करना होगा, ठीक है। कहीं जाना होना है कि यहीं के? नहीं जाना। कहाँ जाना है? टीएमसी जाना। टीएमसी है, कैसे जाइएगा? ऑटो हड़ताल पे है। ऑटो नहीं चल रहा। नहीं ऑटो नहीं चल रहा, हड़ताल पे है। कैसे चलिएगा? घूर जाएंगे आप क्या? घूर जाएंगे आप क्या? घूर जाइएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे पटना में आम लोगों को जो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक और चीज, ट्रैफिक पुलिस के किसी भी जवान को जो है यहाँ पे खड़ा नहीं किए जाने की वजह से क्या हुआ? पुलिस वाले बोर्ड लगाया, नशा वाला बोर्ड लेके क्या करे? सवारी का बोर्ड लगाया, बोर्ड लगाए हुए। अच्छा आइए बात करते हैं इनसे, हम बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार मद निषेध, मद निषेध एवं उत्पाद विभाग पटना। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा बगल से जाइएगा भैया। मद निषेध विभाग की गाड़ी भाड़ा पे, आम लोगों को क्यों बिठाए हुए? आम लोग नहीं है, सब कैदी है। दस्तारी लगा हाथ उठाइए, हाथ करी दिखाई, सब लोग कैदी है। चलिए ठीक है, बढ़ने दीजिए इन्हें। कहाँ गए हमारे साथी? उधर है, मतलब किसी को नहीं बकसिएगा आपको? बकस रहा है नहीं, आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। नहीं अभी दिक्कत नहीं रहेगा भैया, गरीब आदमी कहाँ जा रहा हो? हम लोग तो रोड पर भटकेगा, कमाएगा तो ना पता चलेगा भैया आदमी का। बताइए 100 गुना 500 रुपया कमाएगा, 500 को दे देगा तो कहा होगा भैया? बताइए, दिक्कतों को कोई नहीं समझ रहा? कोई नहीं भैया, कोई नहीं समझ रहा, हम लोग पागल है। लड़ाई झगड़ा कमाने के लिए ना भैया, पुलिस वालों से मांग वांग किए? पुलिस वालों से कुछ मांगेगा भैया? पुलिस से कोई बड़ा? वो तो हम ही लोग से मांगा है। इधर फाइन, फाइन पुलिस वाला भीतर कैसे कर देगा? केस कर देगा। हाँ कि फलना कैसे तुम पर, चलो भीतर। आप लोग कोई प्रतिनिधि भैया पुलिस के पास? आप लोगों कोई प्रतिनिधि बना के जाना चाहिए सरकार के लोगों से। बोलिए ना भैया, आप देखिएगा डेली कितना प्रॉब्लम करता है, अपना नंबर दीजिए, फोन करेंगे की आइए भैया देखिए। रोड पे हमेशा दिक्कत, पैसा आ रहा नहीं कर रहा है। पुलिस वाला कितना पैसा? ठीक ना, लेकिन 5,000-25,000 अभी तो फाइन भर रहा है। कहाँ से भर रहे? वही बता, सब गाड़ी छोड़ दे रहा है, क्या करेगा? जब 1,000 आता दिन भर में, 400 गाड़ी का जमा है, 400 का गैस भरा था। 1,000 रुपया दिन भर में आप ले आइएगा तो 10 रुपया खर्चा। बहुत दिक्कत हो, बहुत बहुत भी एकदम सोचे समझे। हवा भाई तो चल रही है, हवा भाई को दिक्कत नहीं होता? हवा भाई का, हवा भाई को भी दिक्कत है, 5,000 रुपया फाइन है हवा भाई का भी। हाँ सब रोड में चल नहीं सकते हैं, आज हम को नहीं जा सकते हैं, पीछे धर लेगा। सब चलते चलते फोटो खींच ले रहा है, 5,000 का अभी मोबाइल नहीं लाया, मोबाइल में दिखा देते हैं। सिपाही लोग चलते चलते फोटो खींच लेता है। आग्रह है कि शांति पूर्वक कीजिएगा, किसी पे हाथ वाथ नहीं उठाइए, गाड़ी को नहीं होगा। हम सुनिए, हम लोग का नाम यही है कि हर रूट में ऑटो टोटो को जाने का इजाजत दिया जाए, इसलिए अगर निकालने से पहले क्यों नहीं आप लोग बोले कि वहाँ नहीं चले? आरोप लगाते हैं कि आप लोग जाम लगा देते हैं। जाम किस लिए लगाएगा? पैसेंजर उतरेगा तो रोड पर साइड नहीं करेगा आदमी, उसमें आकर फोटो खींच ले। हम लोग बीच रोड पे भी सवारी उतार देते हैं। चढ़ा हम लोग बीच रोड पे, बीच रोड पर कई सब लोग नहीं करते, नहीं भी बीच में नहीं हम लोग। चलिए ठीक है, इन लोगों के परेशानियों को जो है हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आज हर साल पे है और तमाम आम लोगों को परेशानी हो रही है, वो लोग कहीं आने जाने के लिए सड़क पे निकल रहे हैं तो पता चल रहा है ऑटो चल ही नहीं रहे। बहुत धन्यवाद।